नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में शब्द विचार पढ़ेंगे। शब्द विचार में देखिए क्या है, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह शब्द होते हैं, अर्थात अनेक वर्णों के मेल से बनी स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। देखिए, जैसे पुस्तकों का चित्र दे रखा है और अध्यापिकाएं, दो अध्यापिकाएं आपस में बात कर रही हैं। उपर्युक्त चित्रों के साथ प्रयुक्त पुस्तकें और अध्यापिकाएं शब्द हैं। ये शब्द अनेक वर्णों से मिलकर बने हैं। इनका अर्थ होता है, जिन वर्ण समूहों का अर्थ नहीं होता है वे शब्द नहीं कहलाते हैं। देखिए, शब्द की डेफिनेशन, ऐसा वर्ण समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, पारुल और ध्रुव पढ़ेंगे, इस वाक्य में पारुल और ध्रुव पढ़ेंगे ये शब्द है, इनके अर्थ हैं। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होती है, किंतु जब यही शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त होकर उचित अर्थ देने लगे तो ये पद कहलाते हैं। अब देखिए, शब्द के चार भेद होते हैं। पहला है उत्पत्ति, जन्म के आधार पर। दूसरा है रचना के आधार पर। तीसरा है प्रयोग के आधार पर। और चौथा है अर्थ के आधार पर। कितने शब्द के भेद होते हैं? चार। अब देखिए, उत्पत्ति और अर्थात जन्म के आधार पर हिंदी में अनेक भाषाओं के शब्दों का प्रचलन है। ये शब्द जिन भाषाओं से हिंदी में आए हैं उसके आधार पर इनके चार भेद होते हैं। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर भी चार भेद होते हैं। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है विदेशी शब्द और चौथा है देशज शब्द। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।